प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पीएम मोदी के बाद राहुल प्रियंका ने ट्विटर पर लगाई तिरंगा डीपी, कांग्रेसी नेताओं ने भी किया फॉलो। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार दूसरे दिन ईडी का एक्शन, यंग इंडिया दफ्तर को किया सील। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा सबसे बड़ा तिरंगा कार्यक्रम को बारिश के चलते कार्यक्रम को किया स्थगित। केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल लिया वापस, जेपीसी ने 81 संशोधन की सिफारिश की थी। अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर आईबी ने दिल्ली पुलिस को किया अलर्ट, दिल्ली में हो सकता है आतंकी हमला। रूस को लगेगा बड़ा झटका, नाटो में शामिल होगा स्वीडन और फिनलैंड, प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करेंगे जो बाइडेन। यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत रुचिरा कंबोज ने संभाला कार्यभार, लड़कियों को दिया खास संदेश। ईयू ने किया वन चाइना नीति का समर्थन, दी बातचीत से विवाद सुलझाने की सलाह। अजरबैजान ने अर्मानिया पर हमला किया, कारबाख इलाके में बरसाए बम, 3 की मौत, रूस बोला अजरबैजान से सीजफायर तोड़ा। अमेरिका के नक्शे कदम पर ना चले भारत, एक चीन नीति को माने कांग्रेस की सलाह पर चीन गुस्सा, या दी धमकी। यूपी के हर परिवार की स्किल मैपिंग कराएगी योगी सरकार, कम से कम 1 सदस्य को नौकरी या रोजगार देने का प्लान। कन्नौज में रेलिंग तोड़, रेलवे ट्रैक पर पहुंचा ट्रैक्टर, गुड़सहाईगंज में रोकी गई एक्सप्रेस ट्रेन, चालक घायल। हरदोई में पति निकला नपुंसक तो देवर ने संबंध बनाने की कोशिश, जबरन नाकाम, ससुरालियों ने जान से मारने का किया प्रयास। बिजनौर में जेब कतरों को पकड़कर पीटा, होटल में खाना खाते समय किया हादसा, भीड़ के बीच चकमा देकर भागा। इलाहाबाद हाईकोर्ट माफिया ब्रिजेश सिंह को मिली राहत, मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए जाने के मामले में मिली जमानत। भारतीय धावक रूपल वर्ल्ड 20 एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल में 52.77 सेकंड में पूरी की 400 मीटर की रेस, 27 किलोमीटर की स्पीड दौड़ी। छठे दिन भारतीय टीम को मिले 5 पदक, जूडो में तुलिका ने जीता सिल्वर मेडल। रोहित शर्मा के फैंस के लिए खुशखबरी, इंडिया वेस्टइंडीज टीम को मिल गया अमेरिका वीजा। तेजस्वी शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रचा इतिहास, हाई जंप में देश को दिलाया पहला मेडल। भारत ने पाकिस्तान के बाद बारबाडोस को भी हराया, पदक जीतने से एक कदम दूर। कोई मिल गया फिल्म के एक्टर का निधन, मिथिलेश चतुर्वेदी ने लखनऊ में ली अंतिम सांस, दिल की बीमारी से थे पीड़ित। सुहाना खान का स्टनिंग अंदाज है सामने, श्वेता बच्चन और अगस्त नंदा के साथ क्लासी लुक में डिनर करने पहुंची शाहरुख खान की बेटी। राखी सावंत के बॉयफ्रेंड को मिली धमकी, राखी ने कहा यह धमकी देना बंद करो, पहले मुझे खत्म करो।
अक्षय कुमार ने हवा में उड़ाई भैंस, एक्टर का ये वीडियो देख आपको भी याद आ जाएगा बचपन। बॉलीवुड आ रहे हैं महेश बाबू, महीनों पहले कहा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।